हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का फंक्शंस कैसे वर्क करता है एंड इसमें हम एंट्री कैसे करते हैं ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे मास्टर से हम यहाँ पे व्हीकल डिटेल्स में जाएंगे। देन अगर हमें व्हीकल का डिटेल ऐड करना है तो हम यहाँ न्यू व्हीकल डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ हम व्हीकल का डिटेल को ऐड कर रहे हैं तो सपोज हम अगर बिल्टी का हम वहाँ पे डिटेल्स को सेव करना चाहते हैं एंड वहाँ पे व्हीकल में कौन सा व्हीकल हमारा जो सामान है वो ट्रांसफर कर रहा है उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो हम वहाँ पे व्हीकल नेम को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पे हमें यहाँ व्हीकल का डिटेल को वहाँ पे फिर से टाइप करना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम व्हीकल का यहाँ पे डिटेल है वो पहले से हम यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे व्हीकल का नेम डालेंगे, फिर व्हीकल का नंबर डालेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे चेसिस नंबर डालेंगे, इंजन नंबर डालेंगे, ओनर का नेम डालेंगे, देन यहाँ पे ओनर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, ओनर का एड्रेस डाल सकते हैं, ओनर का पैन नंबर यहाँ पे हम डाल सकते हैं। अगर हमने गाड़ी इंस्टॉलमेंट में लिया हुआ है तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के लिए हम यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम कितना इंस्टॉलमेंट में लिए हैं तो उसको कितने अमाउंट में लिए हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं एंड हमें किस डेट में इंस्टॉलमेंट उनको देना है उसका हम यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसे हम डिटेल को हम यहाँ पे सेव करेंगे तो व्हीकल का डिटेल जो है हमारे यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे व्हीकल का डिटेल सेव हो चुका है, इसे हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। देन व्हीकल सर्टिफिकेट में जाएंगे, ये हमारा व्हीकल का डिटेल है जो प्रिंट हो चुका है। व्हीकल सर्टिफिकेट में जाएंगे, व्हीकल के जितने भी सर्टिफिकेट लगते हैं उसे हम यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उसके डिटेल्स को हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स के, उसकी डिटेल हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो व्हीकल सर्टिफिकेट में इंश्योरेंस में जाएंगे, देन हम यहाँ पे न्यू व्हीकल इंश्योरेंस में जाएंगे, व्हीकल का नेम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे व्हीकल का नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पॉलिसी डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे, सपोज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का हम यहाँ पे इंश्योरेंस ऐड कर रहे हैं, इंश्योरेंस के चार्जेस कितने लगे वो हम यहाँ पे डाल देंगे, इंश्योरेंस का डेट कब का है, कौन से डेट से वैलिड है तो कब तक वैलिड है, सपोज वो 2023 तक वैलिड है। अगर हम इंश्योरेंस का कॉपी अपलोड करना है तो उसका हम यहाँ पे कॉपी का हम पिक क्लिक करके रखते हैं तो इमेज को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और हम यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि हमें इस डेट पे रिमाइंड करे कि हमारा जो मतलब सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है। तो हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट में हमें रिमाइंडर चाहिए, सपोज मैंने 5 डेज पहले ही यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर रखा है, इसे हम यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पे सेव हो चुका है। वैसे ही हम यहाँ पे फिटनेस, जो गाड़ी की फिटनेस होती है उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल यहाँ न्यू फिटनेस से हम यहाँ पे डालेंगे, व्हीकल नंबर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, व्हीकल का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सर चेसिस नंबर आ चुका है, फिटनेस का टेस्ट डेट हम यहाँ पे डालेंगे, ड्राइवर का नेम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे फिटनेस चार्ज से हम यहाँ पे डाल सकते हैं कितना लगा है हमारा। तो यहाँ पे फिटनेस का डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कौन से डेट से वैलिड है और कौन से डेट तक वैलिड है वो हम यहाँ पे डालेंगे, सपोज 2023 जून 1 2023 तक वैलिड है। हम यहाँ पे अपलोड बटन से जो सर्टिफिकेट का इमेज है वो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे रिमाइंडर डेट में हमें यहाँ पे मतलब किस दिन का रिमाइंडर चाहिए वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिमाइंडर डेट के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जिस डेट में हमें रिमाइंडर चाहिए, हम यहाँ पे सेव कर लेंगे।
यहाँ पे हम सर्टिफिकेट को हम यहाँ पे सेव कर चुके हैं। हम यहाँ पे व्हीकल व्हीकल नेम या ओनर नंबर या व्हीकल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो हमने अभी ऐड किया हुआ है। ये हमारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। परमिट में हम अगर परमिशन जो लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने वाला, तो उस परमिशन सर्टिफिकेट को हम यहाँ पे न्यू परमिट से ऐड कर सकते हैं। व्हीकल नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओनर नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। परमिशन टर्म कितने इयर्स का ये टर्म है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, सपोज 2 इयर्स का टर्म है। कौन से डेट से कौन से डेट तक वैलिड है वो हम यहाँ पे डालेंगे, सपोज 2024 तक वैलिड है। अपलोड अगर करना है कोई अगर सर्टिफिकेट को हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, एंड रिमाइंडर डेट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं जिस डेट में हमें रिमाइंड करा है वो। तो हम यहाँ पे डिटेल यहाँ पे सेव कर चुके हैं, हमारे डिटेल्स यहाँ आ चुके हैं। उसी तरीके से रोड टैक्स अगर हमें ऐड करना है, रोड टैक्स सर्टिफिकेट, तो न्यू रोड टैक्स में जाएंगे, व्हीकल नंबर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओनर नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर यहाँ पे टैक्स टर्म डालेंगे, सपोज 2 इयर्स का टैक्स टर्म है, कौन से डेट से और कौन से डेट तक वैलिड है वो हम यहाँ पे डालेंगे। देन अपलोड बटन से हम यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम इस डिटेल को हम यहाँ पे रिमाइंडर डाल के सेव कर लेंगे। यहाँ पे हम रिमाइंडर डेट सेट करेंगे, सेव कर लेंगे। अगर हम अपने स्टेट से बाहर अगर कहीं डिलीवर कर रहे हैं सामान को, तो नेशनल परमिशन सर्टिफिकेट लगता है, तो उसका डिटेल अगर हमें ऐड करना है तो न्यू नेशनल परमिट में जाएंगे। देन हम यहाँ पे व्हीकल का नेम सेलेक्ट करेंगे, व्हीकल का नेम सेलेक्ट करेंगे तो ओनर नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। परमिशन का टर्म डालेंगे, कौन से डेट से कौन से डेट तक वैलिड है। देन इसके बाद अपने यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है उसको हम यहाँ पे उसका इमेज को अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे रिमाइंडर डेट हम यहाँ पे सेट करेंगे, सेव कर लेंगे। हमारे डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसी तरीके से हम यहाँ पे पॉल्यूशन का जो अगर सर्टिफिकेट है, अगर न्यू पॉल्यूशन में जाके हम यहाँ पे सर्टिफिकेट का डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। ओनर नेम आ जाएगा यहाँ पे, अगर व्हीकल नंबर सिलेक्ट करेंगे तो पॉल्यूशन का टर्म हम यहाँ पे ऐड करेंगे, कौन से डेट से कौन से डेट तक वैलिड है वो हम यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो इमेज है वो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे रिमाइंडर सेट करेंगे हम, एंड इसे हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट की डिटेल्स है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। सर्टिफिकेट समरी में हम यहाँ पे गाड़ी की इंश्योरेंस का वैलिडिटी कब तक है वो हम यहाँ पे डेट देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो ऐड किया हुआ है। यहाँ पे व्हीकल नंबर वाइज भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इसे हमने अभी ऐड किया है तो उसका यहाँ पे इंश्योरेंस का लास्ट डेट कब है, फिटनेस का लास्ट डेट कब है, ऐसे सबका हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसे प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट में हम यहाँ पे व्हीकल नंबर वाइज जितने भी हमने डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं उसे यहाँ से हम सिलेक्ट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट है उसको हम यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे व्हीकल का डिटेल एंड उसके सर्टिफिकेट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एंट्री से मेंटेनेंस डिटेल्स में जाएंगे। जो व्हीकल का सर्विस और मेंटेनेंस होता है वो हम यहाँ पे उसकी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। सपोज न्यू गाड़ी और उसकी सर्विसिंग करानी है तो हम यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने इस गाड़ी का पहले भी मतलब रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लास्ट सर्विस डेट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ड्राइवर नेम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, करंट रीडिंग हम यहाँ पे डालेंगे, शोरूम का नेम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कौन से शोरूम से हमने यहाँ पे सर्विसिंग करा रहे हैं। फिर मटेरियल का नेम हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि कौन सा मटेरियल हमारे मतलब ट्रक के उसमें लग रहा है, कितनी क्वांटिटी में लग रहा है, सपोज 1 या 2 हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसका रेट कितना है, सपोज 500, तो उसका अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है, हम इसे ऐड करेंगे।
सर्विस रिमाइंडर पेमेंट अगर हमें देना है तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल रीडिंग हमारी कितनी है अभी वो हम डालेंगे, करंट रीडिंग हमारी कितनी है, टोटल रीडिंग सपोज हमारी इतनी है, करंट रीडिंग हमारी 10,500 है और रिमाइंडर के लिए हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि 12,000 जब होगा तब हमें सर्विसिंग करानी है वापस, तो रिमाइंडर रीडिंग में हम 12,000 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही वो उसमें पहुँच जाएगा तो हमें यहाँ पे फिर से सर्विसिंग के लिए आना है, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इस डिटेल को हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तुम्हारा डिटेल यहाँ पे सेव हो चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पे मेंटेनेंस की डिटेल को ऐड कर सकते हैं। न्यू मेंटेनेंस में जाएंगे, फिर हम यहाँ पे व्हीकल नंबर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट मेंटेनेंस डेट ऑटोमेटिकली आ चुका है क्योंकि हम पहले से इसका एक डिटेल ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे ड्राइवर का नेम डालेंगे, करंट रीडिंग अभी गाड़ी की कितनी है वो डाल देंगे, मटेरियल का नेम डालेंगे कि क्या लगा है, क्वांटिटी कितनी लगी है, वेट कितना था, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट यहाँ पे आ चुका है, इसे हम ऐड करेंगे, कौन से गैरेज से हमने करवाया है उसका नेम हम यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर मेंटेनेंस डेट का डेट मतलब मेंटेनेंस का टाइम क्या था, सपोज 6 PM थर्सडे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम डिटेल को हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं, इसे प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सर्विस एंड मेंटेनेंस की डिटेल को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंट्री से हम जाएंगे डीजल के डिटेल्स में, डीजल डिटेल में हम न्यू डीजल डिटेल में जाएंगे। अगर हम गाड़ी में डीजल डलवा रहे हैं तो हम उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज हमारा टाइप यहाँ पे कैश है, पेमेंट टाइप, व्हीकल नंबर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। व्हीकल नंबर सिलेक्ट करने पर प्रीवियस रीडिंग एंड प्रीवियस ऑयल क्वांटिटी इसलिए आया क्योंकि मैंने इसका डिटेल पहले से एक बार ऐड करके रखा हुआ है। यहाँ पे ड्राइवर का नेम ऐड कर रही हूँ। अभी करंट रीडिंग हमारी सपोज 11,000 है, तो यहाँ पे हम पेट्रोल पंप का नेम ऐड कर सकते हैं कि कौन से पेट्रोल पंप से हमने डलवाया है, ऑयल की क्वांटिटी कितनी डलवाया है और उसका प्राइस क्या था वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है हमें और प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें एवरेज भी शो कर रहा है गाड़ी का, कितना एवरेज गाड़ी दे रही है। इसको हम रिकॉर्ड को हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फिर एंट्री से हम जाएंगे व्हीकल एवरेज कैलकुलेशन में। व्हीकल एवरेज कैलकुलेशन में हमें जितनी भी हमने डीजल का डिटेल्स ऐड किया हुआ है वो सारी हमें यहाँ पे शो होगी, जो हमने अभी ऐड किया है वो भी हमें शो होगी और प्रीवियसली ऐड किया है वो भी। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हीकल नंबर वाइज सर्च भी कर सकते हैं उसकी डिटेल्स को जो हमने ऐड की हुई है। तो इस तरीके से आप जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए व्हीकल्स को यूज करते हैं उसकी व्हीकल की डिटेल ऐड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट का डिटेल इसमें सेव कर सकते हैं, मेंटेनेंस और सर्विसिंग होती है जो गाड़ी की उसकी डिटेल को सेव कर सकते हैं, डीजल जो डलवाते हैं गाड़ी में उसकी डिटेल हम इस सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।